जसप्रीत मेरी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है। जसप्रीत, जनता का मिजाज, जनता का मूड आखिर आपको किस तरह का लगा? क्या वाकई लगा वो मुद्दे जो पिछले 10 सालों से खास थे वो इस बार भी उतरे, या फिर इन 10 सालों में या फिर इन पिछले 5 सालों में ही जनता का कुछ मूड बदलता हुआ आपने महसूस किया? क्योंकि सुबह से ही आप ये पूरी कवरेज कर रही हैं, क्या महसूस किया आपने? बिल्कुल सबीना, देखिए 5 बजने को है, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार और वोटिंग खत्म हो जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग अंबेडकर की मूर्ति के सामने हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये 125 फीट ऊंची अंबेडकर की मूर्ति है। इसी साल KCR ने इसका उद्घाटन किया था और ये देश में सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि कांस्य की बनी हुई है। यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, आपने जनता का मिजाज पूछा है तो जनता से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? तो सोच रहे कांग्रेस की सरकार बनने का मौका ज्यादा है बोल के सोच रहे। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस की सरकार? हाँ, हम पोल्स जो पिछले में न्यूज में उधर इधर देखा था तो ज्यादातर कांग्रेस के लिए ही पॉजिटिव वोट्स आने का। अच्छा, आप यहाँ पे घूमने आए हैं, वोट दिया है? हाँ, हम बस घूमने के लिए आए हैं। हम आंध्र से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए। आंध्र प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, कितने किलोमीटर का सफर तय किया? 350 किलोमीटर के। अच्छा, तो ठीक हुआ तेलंगाना बन के? हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा है फिर। अच्छा, अभी भी दिक्कत है 9 साल बाद भी? हाँ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हमारे और भी होता तो अच्छा रहता, इधर तो अच्छा काफी है। तो देखिए सबीना, यहाँ पे टीस भी है लोगों में, आप बताइए कि क्या लग रहा है? बहुत दिक्कत हो गया इधर तो, पूरा अलग हो गया है पूरा तेलंगाना और आंध्र, इसीलिए। अच्छा, तो अभी भी वो टीस है? हाँ, अभी भी क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है? अब तो बस वोटिंग भी खत्म होने को है। वो खत्म होने को है लेकिन फिर भी डेवलप कुछ भी नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। जसप्रीत, ये माहौल ही है, कहते हैं माहौल बोलता है, और जब माहौल बोलता है तो वो कई बार आंकड़ों में तब्दील भी होता है और कई बार जीत जो है वो छूते छूते आ जाती है, कई बार हार जो है वो आते आते रह भी जाती है। अब सभी के पास लौटेंगे राजस्थान की, अमन मुझे लगता है बात करनी जरूरी हो जाती है, आपने शुरुआत भी की थी मध्य प्रदेश राजस्थान इन्हें लेकर। हम एक बार राजस्थान के फटाफट आंकड़ों पर जो साल 2018 में आए थे, क्योंकि याद है जब चूरू टोंक इन तमाम जिलों में हम गए थे और वहां से एक अलग ही तस्वीर नजर आई थी। तो 200 सीटें जिसमें से 199 सीटों के लिए वोटिंग पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी इसी के लिए हुई है। कांग्रेस के हाथ 99 सीट, बीजेपी के हाथ 73 सीट और अन्य के हाथ 27 सीटें लगी थी। हालांकि उसके बाद जब मुख्यमंत्री की बात आई थी तो अमन सबने देखा था। ये फिलहाल जो आंकड़े हैं हम आपको बताते हैं राजस्थान के आखिर क्या है। वोट प्रतिशत यहां पर सामने आया है, ये वोट प्रतिशत यहां पर है। लेकिन अमन, क्या ये कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो फिर दिल्ली तक की दौड़ जयपुर से हमने खूब पिछले बार भी लगते हुए देखी है, ये असमंजस आपको लगता है कि आंकड़ों में भी तब्दील हो सकता है? एक बार भवानी के पास चल लेते हैं जानने के लिए, क्योंकि भवानी, अशोक गहलोत को मैं सुन रहा था। अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल पर रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा देखिए एग्जिट पोल कुछ भी हो, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, और भड़काने वाली बात है धर्म को लेकर, अगर वो चल गई तो अलग बात है, मतलब शंका उनको भी है दिमाग में, नहीं तो हम सरकार बना रहे हैं, ये कहा अशोक गहलोत ने। भवानी, देखिए इस पूरे चुनाव में आप इसको समझना होगा कि अशोक गहलोत ने सिर्फ एक दफा कहा कि 156 सीट आएगी, हर बार उन्होंने कहा था कि जनता माई बाप है, जनता क्या करेगी। और जब आप देखिए कि वोटिंग के बाद में अशोक गहलोत की जो लैंग्वेज है, भाषा है, लगातार वो 3 बार उनका बयान आया और तीनों बार वो कह रहे हैं कि अब जनता को तय करना है, बहुमत की संख्या में नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि मुझे ये विश्वास है कि बहुमत मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस जितना एक मुख्यमंत्री में, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस का कैंपेन वो कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, वो जो भरोसा नजर आना चाहिए, जो दावा किया जाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुमत मिलेगा। गोविंद सिंह डोटासरा इसके बजाय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल जरूर दावा किया कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो वो भरोसे की कमी नजर आ रही है। कमी क्यों नजर आ रही है, इसको समझना होगा कि जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, दौसा से लेकर भरतपुर तक, जहां बीजेपी की पिछली बार 3 सीटें आई थी, यही वो बेल्ट है जो सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, गुज्जर बेल्ट माना जाता है। वहां पर अब जो चिंता की लकीरें कांग्रेस के माथे पर नजर आ रही है कि ये बेल्ट क्या करेगा, अगर पिछली बार वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए कांग्रेस, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के सामने राजस्थान में मुश्किल होगी। जी भवानी, बात आइए, 3 दिसंबर को सरकार बन जाएगी या खेल आगे भी चलता रहेगा? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मतलब आपको लग रहा है आपका काम 3 दिसंबर को लगभग चुनावों के परिप्रेक्ष्य में खत्म होगा, या ये चलेगा अभी थोड़ा और लंबा? मैंने चलेगी अभी, देखिए जितना हमने देखा या जो माहौल है बाकी चीजें, उसे लग नहीं रहा है कि 3 दिसंबर के बाद की जरूरत पड़ेगी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि अगर 3 दिसंबर के बाद की जरूरत पड़ती तो जयपुर के अंदर हेलीकॉप्टर खड़े होते अभी,
अभी कांग्रेस दूसरी व्यवस्थाओं में लगी होती, निर्दलियों से संपर्क करती या बाकी व्यवस्थाएं या बीजेपी करती। अगर बीजेपी या कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हैं, अगर दोनों को ये अगर उम्मीद होती कि 3 दिसंबर के बाद का काम है, तो आप मान के चलिए कि अभी तक तो काफ़ी कुछ बाड़ेबंदी की आप खबरें सुन चुके होंगे कि जयपुर में, जयपुर के आसपास बाड़ेबंदी हो रही है या चौपर खड़े हैं, व्यवस्थाएं की जा रही है। वो व्यवस्था वाली खबर इस बार जयपुर से नहीं आ रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य बड़ा चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा कि राजेश पायलट की खुन्नस कांग्रेस सचिन पायलट से निकाल रही है, तो लगा कि शायद अभी कुछ खेल बाकी है 3 दिसंबर के आगे भी। तो फिर सचिन पायलट का भी अलग ही जवाब आ गया था, इसलिए मैंने प्रेम शुक्ला और ऋषि मिश्रा दोनों जुड़ गए। पहले आप बोल लीजिए भवानी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऋषि मिश्रा दोनों हमारे साथ हैं। पहले भवानी आप। देखिए यही हम कह रहे हैं कि अब ये जो है व्यवस्था वाला, मैनेजमेंट वाला, ये सवाल लगातार हो रहा है। कल हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा कि अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्या आप दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या निर्दलियों से संपर्क में, क्या जो RLP जीत के आ रही है दूसरी छोटी पार्टी आ रही है उनसे संपर्क में। उन्होंने कहा वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हमारी विचारधारा का है, जरूरत पड़ने पर हमारा समर्थन करेगी, लेकिन मोटे तौर पर दम भरते नजर नहीं आए। बीजेपी लगातार ये मना कर रही है कि उन्हें किसी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो तो 2/3 मेजोरिटी की बीजेपी दावा कर रही है। तो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर वाला, चौपर वाला गेम, व्यवस्थाओं वाला गेम जयपुर में अभी शुरू नहीं हुआ, तो इससे मोटे तौर पर अंदाजा लग रहा है कि जो भी फैसला होना वो 3 दिसंबर को ही होना। जी, और 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी और उसके बाद जुगत लगेगी CM की। जो सवाल अमन ने आपसे पूछा भी था, हालांकि मुझे लगता है कि जो भी अब सियासत के जानकार हैं, कांग्रेस की मुसीबत सबसे बड़ी आकर तभी टिक जाती है चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। हमने देखा है कि दिल्ली तक की दौड़ तो अमूमन लगी हुई है, बहुत सारी बयानबाजियां भी सामने आ जाती है, फिर ताज पहनाना पड़ता है, फिर एक लंबी दौड़ आगे भी जारी रहती है। बहरहाल दो खास मेहमान जिनका इंट्रोडक्शन अमन ने करवाया, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपकी तरफ रुख करेंगे।